हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। मनी प्लांट तो हम सबका फेवरेट रहता ही है, लेकिन अगर ऊपर से मनी प्लांट बड़े बड़े पत्तों वाला हो तो हमको और भी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो मनी प्लांट है, या फिर हम हमारे पास ना हो तो हम किसी और का देखते हैं कि हमारे मनी प्लांट के पत्ते बहुत छोटे छोटे हैं, या फिर हमारे जो किसी पड़ोसी का मनी प्लांट उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं मनी प्लांट के, तो फिर ऐसा क्या रहता है। या फिर कई बार हम नर्सरी से भी लेकर आते हैं, नर्सरी वाले भैया जो होते हैं उनको कहते हैं कि ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट आप इसको लेकर जाइए, ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन थोड़े दिन बाद हम देखते हैं जब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है तो पत्ते बड़े बड़े ना रहकर वो वापस से न्यू ग्रोथ जो होती है उनकी छोटी आनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो इसके कई सारे कारण रहते हैं, लेकिन जो एक मेन कारण रहता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। तो जो मैं आपको कारण बताने वाली हूँ, ये ना सिर्फ मनी प्लांट, बाकी भी हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो जिन प्लांट्स में एरियल रूट्स आते हैं, देखिए एरियल रूट्स का मतलब रहता है इस तरह से नई जो स्टेम है, पत्ता है, उसके नीचे यहाँ पर उसकी जड़ दिखाई देगी। बहुत सारे ऐसे प्लांट रहते हैं मनी प्लांट की, जितनी भी वेराइटी है, सिंगोनियम है, हमारा ब्रोकन हार्ट है, मॉन्स्टेरा है, स्विस चीज़ है, ये जितने भी प्लांट रहते हैं ये सब वैसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर नोड एरियाज रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि इनके अंदर एरियल रूट्स आती हैं। एरियल मतलब हवा में ही रूट्स आ जाती है। देखिए रूट्स सभी प्लांट की मिट्टी में रहती हैं, लेकिन जो मनी प्लांट होता है उसकी रूट्स इस तरह से रहती हैं, हवा में लटकती रहती हैं। तो क्या कारण है हमारा कि जो मनी प्लांट है उसके पत्तों को हम छोटे पत्तों को लगाकर भी हम उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मनी प्लांट तो वही रहता है, छोटे पत्ते वाला भी वही होता है, बड़े पत्ते वाला भी वही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ उसके न्यूट्रिशन का रहता है। और न्यूट्रिशन भी हमें कुछ भी नहीं देना एक्स्ट्रा से, सिर्फ और सिर्फ अभी हम इसमें पानी देना है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं है, तो हमें सिर्फ अपने पानी देने का जो तरीका है उसको ही हम हमारा चेंज करेंगे, और फिर देखेंगे थोड़े दिन बाद ही जो हमारा मनी प्लांट है उसके पत्ते धीरे धीरे बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे मनी प्लांट के, किसी भी मनी प्लांट के पत्ते या फिर पेरिनियल जो प्लांट्स होते हैं, जो एरियल रूट्स वाले रहते हैं, उनके पत्ते तभी बड़े होंगे जब हम उन्हें इस तरह से मोस्टिक पर लगाएंगे। मोस्टिक पर लगाएंगे तो आपके पत्ते ऑटोमेटिक बड़े होते जाएंगे, और जो आपके इस तरह से आप देख सकते हैं लटकने वाले, जो मैंने जितने भी प्लांट लगा रखे हैं इनके लास्ट में जो पत्ते होते हैं धीरे धीरे उनका साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मोस्टिक वाले प्लांट रहते हैं जिन्हें मोस्टिक पर लगाते हैं, इनके पत्ते जो होते हैं धीरे धीरे साइज़ में इनका इंक्रीज हो जाता है, इनका साइज़ धीरे धीरे इनका पत्तों का साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो सबसे फर्स्ट तो आप इनको ये करें कि जितने भी आपके मनी प्लांट हैं उन सबको आप मोस्टिक पर लगाएँ। मोस्टिक पर लगाने का फ़ायदा ये रहेगा कि देखिए इस तरह से इसकी जो रूट्स आती हैं, ये रूट्स आपकी जो मोस्टिक है इसके अंदर धीरे धीरे स्टक हो जाएंगी, और जो इसका न्यूट्रिशन होता है जितना भी आपके प्लांट का, वो आपकी जो मेन रूट होती है आपकी, देखिए इस तरह से गमले में जो मेन रूट होती है सिर्फ वहीं से ना लेकर के एरियल जो रूट्स रहती है इसकी, वो भी आपका प्लांट के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल मोस्टिक के साथ इसको बांध दीजिए अपने मनी प्लांट को, और फिर आप जब भी पानी दें अपने प्लांट को तो उसकी डायरेक्ट मिट्टी में ज़्यादा पानी ना दे करके उसको अच्छे से पत्तों को वॉश कीजिए, और पानी आप हमेशा इसकी मोस्टिक में दीजिए। मोस्टिक में पानी देंगे तो इस तरह से मोस्टिक जो हमेशा नमी बनी रहेगी इसमें, ये गीली रहेगी, और जो ये एरियल रूट्स हैं जो इसके अंदर जा चुकी हैं मोस्टिक से, ये अंदर से हवा और इसके पानी के ज़रिए जो अपना खाना मोस्टिक में बनाती रहेंगी, और यहाँ से भी इन्हें फीडिंग मिलती रहेगी। इस वजह से यहाँ से इन्हें फीडिंग मिलेगी, तो देखिए सारा का सारा जो प्रेशर है, जो हमारे प्लांट का जितना भी फूड रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ इसकी जो मेन जो रूट है हमारी, जो मिट्टी में हमने लगा रखी, सिर्फ उसके ऊपर ना रहेगा बल्कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जितनी भी रूट्स होंगी वो सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना बनाएंगी, तो जो न्यूट्रिशन है वो उन्हें हर एक जो जितनी भी नोड एरिया के नीचे जितनी भी ये रूट्स हैं उन सबसे उन्हें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारे जो प्लांट की पत्ते बड़े होते चले जाएंगे। सिर्फ प्लांट के पत्ते ही बड़े नहीं होंगे, आप देख सकते हैं जो स्टेम है वो, देखिए स्टेम भी कितनी थिक है, इस तरह से धीरे धीरे स्टेम बढ़ती जा रही है, और देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कितनी मोटी ये थिक स्टेम है। इनफैक्ट यूँ कहे मेरी ये जो उंगली है इससे भी ये मोटी स्टेम है, और इसके आप पत्ते देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं इस तरह से। और जब ये पत्ते बड़े होते हैं तो इसकी ये रूट्स देखिए, रूट्स भी इसकी इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
और जो है रूट स्किन की थिकनेस भी बढ़ जाती। देख लिया, मेन तौर पर आपकी जो स्टेम रहती है वो उसकी थिकनेस इतनी रहती है, लेकिन जो रूट्स हैं इन रूट्स की जो थिकनेस है वो इतनी हो जाती है। इसका मतलब है जब इसकी स्टेम इतनी मोटी है, रूट्स इतनी मोटी हैं, तो ऑटोमेटिकली ही इसके पत्तों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहेगा। तो आपको इस तरीके को सर्दी हो या गर्मी हर टाइम पर ही फॉलो करना है कि जितने भी आपके मनी प्लांट हैं सबकी एरियल रूट्स में आप पानी दें, मॉइस्चर पर उन्हें लगा कर रखें। मॉइस्चर पर लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा जल्दी बड़ा भी होगा और उसके पत्ते का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज होगा। मैं आपको मेरा एक और मनी प्लांट दिखाती हूँ। देखिए, ये जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्टिंग में देखिए पत्ते का साइज़ इतना था, और अब धीरे धीरे इसकी आप रूट्स देख सकते हैं किस तरह से ये जो मॉइस्चर है इसमें देखिए पूरी अंदर जा चुकी है। इसमें जितनी भी सारी एरियल जो रूट्स आई हैं वो सब मॉइस्चर के अंदर धंसी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इनकी जो फीडिंग रहती है इनमें से चालू रहती है, और आप स्टेम देख सकते हैं यहाँ पर स्टेम की जो थिकनेस है कितनी है, और धीरे धीरे जो स्टेम की थिकनेस यहाँ पर कितनी हो गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी फीडिंग की वजह से ही रहता है। और आप पत्तों का साइज़ भी देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाते जाते। तो बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसमें पानी का ध्यान रखना है अपने मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ बड़ा करने के लिए।